उज्जैन में कथित तौर पर पाकिस्तान के समर्थन में लगे नारे के मामले में बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलने वालों की नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि शत्रु राष्ट्र के नारे लगाने वालों की नागरिकता तो खत्म होनी चाहिए, संपत्ति के अधिकार भी ले लेने चाहिए, कानून बनाने की मांग की है। देखिए, मैं पार्टी के स्पोक्समैन नहीं हूं, लेकिन मेरा अपना मत ये है कि अब तो कानून में कोई कलम ऐसी डाली जानी चाहिए जिसमें भारत माता की जय जो लोग नहीं बोल सकते हैं, वंदे मातरम जो नहीं बोल सकते हैं, जो शत्रु राष्ट्र के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, इनके नागरिकता के अधिकार छीन लेने चाहिए, इनकी संपत्ति के अधिकार छीन लेने चाहिए। आखिर ये देश धर्मशाला तो नहीं है? इसलिए देश में इस तरह का कोई वातावरण बनना चाहिए कि ऐसे लोगों की नागरिकता ही खत्म कर दी जाए। देश का जनमानस इसके लिए हमको तैयार करना पड़ेगा। इधर कांतिलाल भूरिया ने दिया है अजीबोगरीब बयान, विवादित बयान भी आप इसे कह सकते हैं। उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे कथित तौर पर, उन्होंने सरकार के लोग बताया जो ये नारे लगा रहे थे, वो कह रहे हैं सरकार के लोग थे। प्रदेश सरकार पर यह आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान से मिली हुई है सरकार और मिलजुल कर ये कुश्ती खेल रही, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं आप। आगे ये भी कहा कि सरकार सतर्क होती तो उज्जैन में नारे ही नहीं लगते, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। वो खुद के गिरेबान में झांक के देखे कहने वाले, और जो अपना जो अगर भाजपा सरकार में है, अगर सरकार में पाकिस्तान के नारे लग रहे थे, सरकार क्या कर रही, क्यों नहीं एक्शन लिया? सरकार ही बना पाकिस्तान से मिली हुई है ताकि मिली जुली कुश्ती लड़ रहे हैं, और उन्हीं के लोग जो नारे लगाने वाले उन्हीं के लोग थे, पकड़ाए।